तो दोस्तों मेन गेट यही है और इस घर का नाम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, गैलेक्सी 3rd ABJ रोड बांद्रा। ये है बॉलीवुड की रोज सलमान खान जी का घर। अपने वो बर्थडे के दिन ना यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, रॉकस्टार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी बालकनी में वो नजर आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी आलिशान सा ये घर है, देख सकते हैं। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी किसी ने कहा कि हमारे के मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में। सो गाइज, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख रखा है, आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, तो जी आज हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की रोज सलमान खान जी का घर। दोस्तों मैं आपको बता दें, अभी हाल ही में जो ना सलमान खान अपना 58वां जन्मदिन मनाए हुए हैं, तो आज उन्हीं का हम घर दिखाने वाले हैं। उनके घर की प्राइस क्या है, सब कुछ हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं और उनके घर के सामने का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है और सलमान खान के जो है ना उनके बायोग्राफी के बारे में आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए गाइस, अभी हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड हीरो सलमान खान जी का घर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मुंबई के बांद्रा बैन स्टैंड का नज़ारा है और यहाँ पे जो ना शाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है। और अभी हम आपको सीधे लेके चलते हैं बॉलीवुड हीरो सलमान खान जी के घर पे और इसी रास्ते से हमें जो ना सीधे चलने का है। तो दोस्तों फाइनली भी हम पहुँच चुके हैं बॉलीवुड हीरो सलमान खान जी के घर पे। देख सकते हैं जो आलिशान सा घर देख पा रहे हैं ना, यही है बॉलीवुड हीरो सलमान खान जी का घर। और हम आपको सामने मेन गेट की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। तो दोस्तों मेन गेट यही है और मेन गेट के सामने अभी हम आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है गैलेक्सी 3rd ABJ रोड बांद्रा बॉम्बे 15। ये है बॉलीवुड हीरो सलमान खान का घर। सलमान खान साहब जो ना अपनी बालकनी में इसी में वो नज़र आते हैं, देख सकते हैं अपने बर्थडे दिन यहाँ पे लिखा हुआ रॉक शाह। सलमान खान साहब जो ना अपनी फैमिली के साथ में इसी घर में वो रहते हैं, देख सकते हैं काफ़ी आलिशान सा घर है, देख सकते हैं। सो चलिए गाइस, सलमान खान के जो ना बायोग्राफी के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। इनका जन्म MP के इंदौर में हुआ था। इनके पूर्वज सामान्यतः अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जो बाद में भारत आ गए तथा मध्य प्रदेश इंदौर में रहने लगे। इनके पिता ने 2 शादी की थी, जिसमें पहली शादी की जम्मू कश्मीर की निवासी बलदेव सिंह चरक, जो कि बाद में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। उनकी बेटी सुशीला चरक, जो कि हिंदू राजपूत महिला थी, सन 1964 में की थी, जो बाद में सलमा खान के नाम से जानी जाती थी। सुशीला उर्फ सलमा सलमान खान की पहली माता थी और अपनी माँ और पिता के धर्म के कारण सलमान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को मानते हैं तथा दोनों धर्म को बखूबी से पालन करते हैं। और सलमान खान के पिता सलीम खान जो ना दूसरी शादी की थी, सन 1981 में बॉलीवुड अभिनेत्री हेलन से शादी की थी। ये इनकी दूसरी माता थी। हेलन के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम अरबाज खान तथा छोटे का नाम सोहिल खान तथा एक बेटी अलविरा खान है। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि सलीम खान तथा सलमान खान ने अर्पिता, जिनकी मां की फुटपाथ पर ही मौत हो गई थी, अनाथ बच्ची को गोद लेकर खान परिवार का हिस्सा बनाया था। सलमान खान की अब तक शादी नहीं हुई है, परंतु उनके घर में उनके दोनों भाई और बहनों की शादी हो चुकी है तथा उनके बच्चे हैं, जिनको सलमान खान बेहद प्यार करते हैं तथा इनका भरा पूरा परिवार है। दोस्तों अगर सलमान खान की प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए ना, तो मैं आपको बता दें उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है ना सिंधिया स्कूल ग्वालियर से पूरी की और फिर उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी करने के लिए सेट स्टेशनी क्लास हाई स्कूल बांद्रा मुंबई में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई मुंबई के सेट JVS कॉलेज से किया, लेकिन अभिनेता बनने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान उन्होंने अभिनेता बनने की तरफ लगा दिया। दोस्तों अगर सलमान खान की फिल्मी करियर की बात करें ना, तो मैं आपको बता दें उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी के माध्यम से किया था, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया था। हालांकि उनके किरदार को काफ़ी पसंद भी किया गया था। इसके बाद 1988 में राजश्री प्रोडक्शन के तले बनी फिल्म मैंने प्यार किया उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, क्योंकि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफलता मिली थी और इस फिल्म में उनके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसके बाद सलमान खान ने हम आपके हैं कौन, सनम बेवफा, दिल तेरा आशिक, अंदाज, अपना अपना, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, हम दिल दे चुके सनम, हर दिल जो प्यार करेगा,
हम तुम्हारे हैं सनम नो एंट्री पार्टनर दबंग, एक था टाइगर बजरंगी भाईजान, सुल्तान, भारत, दबंग 3 जैसी सुपरहिट फिल्मों में वह काम किया था। दोस्तों मैं आपको बता दें, फिलहाल सलमान खान जो ना अपनी फैमिली साथ में इसी घर में वो रहते हैं, जो कि इस घर का नाम है गैलेक्सी अपार्टमेंट। यह घर जो ना मुंबई के बांद्रा बैन स्टैंड इलाके में पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सलमान खान जी का घर दिखाया, उनके बायोग्राफी के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी को भी गाइस प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय।